सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 7th क्लास में प्रश्न नंबर 29 पढ़ेंगे। एक वर्ग बनाओ जिसकी भुजा तथा कर्ण का योग DE रेखा के समान दिया है। तो हमें एक वर्ग बनाना है और एक हमें कर्ण दिया हुआ है DE और E। तो सबसे पहले हम DE एक कर्ण ले लेते हैं। इस तरह से हम एक कर्ण ले लेंगे, इसका नाम हम दे देते हैं D और यहां हम नाम दे देते हैं E। ये आपका DE कर्ण है, इसके ऊपर हमने एक वर्ग बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, बी आपका जो ई पॉइंट है यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये आपको सबको आता ही है 90 डिग्री का कोण, तो आपने खूब पढ़ा है 6th क्लास में। तो इस तरह से ये आपका कोण बन गया है, हमने इसको मिला देना है, डॉटेड हम इसको मिलाएंगे। अब हमने क्या करना है, इस पे हमने यहां पे 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये जो आपका 90 डिग्री वाला कोण की रेखा आ रही है, यहां हम पॉइंट रखेंगे और प्रकार रखेंगे और चाप लगा देंगे इस तरह से आगे, और फिर हम नीचे यहां पे यहाँ से हमने उठाया था, यहाँ हम इसका नाम दे देते हैं F। यहाँ पे ये F पॉइंट है और जहाँ हमारा ये चापे कट रही है यहाँ हम नाम दे देते हैं इसका H। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने जो 45 डिग्री का कोण बनाया ना, यहाँ से हमने रेखा लगानी है और ये हमने हल्की रेखा लगानी है। हम ना तो ये डॉटेड लगाएंगे और ना हम इसको अभी डार्क लगाएंगे, बिल्कुल हल्की रेखा इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। अब हमने जो D आपका पॉइंट है यहाँ पर भी हमने पहले हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पे। अब देखिए, और फिर हमने यहाँ पे 45 का, फिर उसका आधा हम करेंगे 22.5 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे 22.5 डिग्री का कोण बनाना है, उसके लिए हमने सबसे पहले हम वैसे तो हम इसके बाद भी 22 डिग्री का कोण बना सकते हैं, तो जैसा बुक में दिया है मैं उसी हिसाब से बना लेता हूँ। वैसे तो आप 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद भी 22 डिग्री का कोण बना सकते हैं, पर इससे हमें नहीं बताया है तो हम इसी तरह से बना लेते हैं जैसा बुक में दिया है, और इस तरह से हमारा जल्दी भी बन जाएगा यहाँ से। और इस पॉइंट का नाम यदि आप देना चाहें तो यहाँ जो है नाम है वो आपका है N पॉइंट है, और यहाँ जहाँ ये दोनों चापे कट रही है ये आपका है L। तो हमने D और L को पहले आपस में मिला देना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसका आधा कर देना है, तो हम इसका आधा करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से चाप लगा देंगे N से, और जो आपका ये 90 डिग्री वाला कोण बटा है यहाँ से हम चाप लगा देंगे, तो ये आपका बन गया 45 डिग्री का कोण बन गया है यहाँ से। इस पर भी हम मिला देंगे इसको D के साथ यहाँ से, और ये हमारा डॉटेड मिलेगा यहाँ से इस तरह से। अब हमने इसका भी आधा कर देना है, आधा करने के लिए हमने क्या करना है, N से हम ये चाप आगे बढ़ा देंगे यहां से, और जो ये आपका 45 डिग्री का कोण है यहां से हम इसका आधा फिर कर लेंगे इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और ये जो आपकी रेखा आगी इसको भी हम यहां से डॉटेड लाइन हम यहां से लगाएंगे इस तरह से। और जहाँ पे ये हमारी जो रेखा है यहाँ कट रही है, जो हमने ये 45 डिग्री का कोण बनाया था यहाँ पे कट रही है, ये पॉइंट आपका आ गया सी। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास एक डी और सी ये रेखा आ रही है इसका आपने आधा कर देना है, मतलब संधिभाजन कर देना है। और जो आपका ये जो आपका पॉइंट आ रहा है इसका नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे के, और यहाँ आप लिख दो इसमें एक 22.5 डिग्री।
इस तरह से। तो ये जो आपकी रेखा आ रही है इसका हमने संधिभाजन करना है। तो आपने क्या करना है, डी और सी रेखा जो है इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के आपने चाप लगा देनी है दोनों साइड इस तरह से, और आपने सी से चाप लगा दी, अब आपने डी से भी चाप लगा देनी है इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से। और जहाँ ये चापें कट रही है इनको आप आपस में मिला दीजिए, इस तरह से ये जो आपकी संधिभाजन वाली रेखा है ये आपकी डी और ई रेखा पे जहां कटती है यहां पर ये पॉइंट आपका आ गया ए, इस तरह से ये ए पॉइंट आ गया है। अब आपने क्या करना है, सी और ई जो रेखा है इसको आप डार्क कर दो पूरा इस तरह से, और आपने यहां से ए और सी को भी यहां से आपने डार्क कर देना है इस तरह से। ये आपकी वर्ग जो आपने बनाना था इसकी दो भुजाएं अब आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, सी से ई सी जितनी आपने एक प्रकार खोलनी है, और आपने नीचे को यहां से ऐसे चाप लगा देनी है, ठीक है। ऐसे सी देखिए ये बिल्कुल उतना ही है, यहां से आपने प्रकार खोल के ऐसे चाप लगा देनी है, और जहां ये चापें नीचे कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया बी। आपने क्या करना है, ये बी पॉइंट है, आपने बी और ए को आपस में मिला देना है डार्क इस तरह से, और आपने ए बी और ई को भी आपने डार्क मिला देना इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपका जो है वो प्रश्न नंबर 29 बन गया है, और ये आपके जो है वर्ग भी इसके ऊपर बन गया है। आपके बुक में ये रेखा डॉटेड दी हुई है, डी ई डॉटेड दी हुई है, आप चाहो तो डॉटेड ले सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है कि डी ई रेखा पे बनाना है, तो जो दिया हुआ होता है हमें ये कर्ण है, कर्ण का योग हमें दे रखा है डी ई, तो इसको आप हल्की भी रेखा में भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहो बुक के हिसाब से तो आप इसको डॉटेड भी ले सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है। फिर ये गलत नहीं होगा, आपका आंसर ये जो है वो सही होना चाहिए, यहाँ आपका वर्ग बनना चाहिए, ये आपका उद्देश्य, ये आपका सही बन रहा है, तो आपका प्रश्न सही है।